निश्चित तौर पर पाकुड़ पुलिस मुर्दाबाद बैनर बुझे बाबार गोटेगा पुतला दहन हॉस्टल कड़ा कुड़ी सब खोई पुतला दहन निश्चित तौर पर इन स्टेटमेंट बोल गया जे बोले जुदी न्याय बांग हुई को करना तो नुडे बुल दाड़ा साहेबगंज साहेबगंज शहर ना पूर्वी फाट रे निश्चित तौर पर पूरा आदिवासी कल्याण छात्रावास कोड़ा कुड़ी बनार हॉस्टल बोल दुआ विशाल जुलूस सामिल मे मसाल जुलूस पाकुड़ बड़ा गया हॉस्टल कड़ा को दाल ले पुलिस को हेते तो विरुद्ध प्रदर्शन नित धाबी जारी गया। तो निश्चित तौर पर जब तक न्याय बांग नेमो तब तक अब आदिवासी संताल बुहा निका की विरुद्ध प्रदर्शन को तहना और बहुत जल्द संताल परगना आर्थिक नाकेबंदी हुआ और नोड़े बोल दाड़े बाबार गोटे पुतला हेमंत सोरेना पुतला करना मिटे दो शायद पुलिस अधीक्षक पाकुड़ है पाकुड़ पुलिस अधीक्षक का पुतला करना बाबार गोटे पुतला बोल दाड़ा जेरे हुआ। तो निश्चित तौर पर पूरा हॉस्टल कड़ा कुड़ी को अब विरोध प्रदर्शन इनका रैली के माध्यम तक दर्जे और हजारों की संख्या बोल दाड़ा साहेबगंज कॉलेज कड़ा और कुड़ी को और ना सामने बोले आदिवासी कल्याण छात्रावास प्रीफेक्ट महोदय मानतान सम्राज सोरेन जी। तो सम्राज सोरेन जी हम नेतृत्व में इन मांग रैली चे लगे रैली अच्छी रैली तो पाकुड़ हुई जो पुलिस द्वारा गुंडागर्दी लिखाते दाल और जानलेवा हमला होना हेते फसल जुलूस ले उठूम कदा पुतला दहन ले उठूम कदा होया पुतला दहन हुआ नोडे रे जितो दो पुतला दहन दो एसपीया और विजय हंसा और हेमंत सोरेन का पुतला दहन हुआ और चे लगी ते उनको पुतला दहन दो इदा से उनको अपुरन आदिवासी नेता कना को उनी अपुआ जैसे जापान दो आया मुचा ते रोड के बांधो आया सोशल मीडिया रे जहां चर्चा के उना हेते उनी तो उनी बारे तले आले तले नाराज यार नुकु पेपे गोटे पुतला दहन के बावजूद भी जुदी न्याय बांग नाम दा तो फिर नुकु ओका छात्र समन्वय समिति के छात्र एकता संघ करना तो निये चे कदम को उठवा होना निये होते तो बांग हुआ मार्शल जुलूस पुतला दहन ते बांग हुआ तो पूरे झारखंड ले बंदी ना ले कोशिश आले तो चे निये ओका रैली करना से ओका निये घटना घटित करना पाकुड़ रे तो निये हजूकान विधानसभा चुनाव रे जहाना इफेक्ट एम दाड़िया इफेक्ट एम दाड़िया जिदा जते दिल्ली धरी नवा कथा चलावना मतलब सेंट्रल धरी ते निया कथा चलावना आदिवासी ऊपर अत्याचार होयो कोना। तो चलो ठीक है निका के आहा एम ढेरे स्टेट संग मंगल मरा एम एम सम्राज सोरेन जी हेमंत सरकार चोर है हेमंत सोरेन फरवा है छात्र एक तो जिंदाबाद 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 छात्र एक तो जिंदाबाद 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 छात्र एक तो जिंदाबाद 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 पाकुड़ पुलिस मुर्दाबाद 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 पाकुड़ पुलिस मुर्दाबाद 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 पाकुड़ पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकुड़ पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकुड़ पुलिस होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकुड़ पुलिस चोर है चोर है नीम का पत्ता कड़वा है हेमंत सोरेन भड़वा है नीम का पत्ता कड़वा है हेमंत सोरेन भड़वा है पाकुड़ पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन हाय 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 करना
बंद करो, छात्रों प्रशासन करना बंद करो, बंद करो। पाकुड़ पुलिस हाय 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 पाकुड़ पुलिस को बर्खास्त करो, पाकुड़ पुलिस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीएम पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सीएम पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सीएम पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। पाकुड़ पुलिस हाय 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 पाकुड़ पुलिस हाय 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 छात्रों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो रे, मसाल जुलूस निकाले क्या कुछ बात करो। आज हम लोग जो है आदिवासी कल्याण छात्रावास साहेबगंज के सभी छात्र जो हैं, आज हम लोग साहेबगंज मसाल जुलूस निकाले हैं और अभी तुरंत पुतला दहन किया जाएगा हेमंत सोरेन का, पाकुड़ एसपी का, और यहाँ के जो राजमहल लोकसभा के सांसद हैं विजय कुमार हासदा, उनका भी पुतला दहन किया जाएगा। हम लोग आज बहुत आक्रोशित हुए हैं क्योंकि 26 तारीख शाम को, 27 तारीख को पाकुड़ केकेएम कॉलेज में, कॉलेज के छात्रों द्वारा पाकुड़ में जो है महारैली निकाला जाना था। तारीख गलत बोल रहे हैं, 26 ही है। अच्छा, उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। 27 तारीख को वहां रैली निकाला जाना था, महारैली, और उसी के एवज में है छात्रावास के छात्र जो है तैयारी किए थे, और 26 तारीख शाम को जो है दो पुलिसकर्मी आते हैं आपका केकेएम कॉलेज छात्रावास में, और एक लड़का जो है वो मोबाइल से बात कर रहा था, और बात करने के दरमियान में वो दोनों पुलिसकर्मी जो है उनके साथ हाथापाई करते हैं और कहते हैं कि किसी लड़की का किडनैप हुआ है, तो उसी सिलसिले में हम लोग मोबाइल ट्रेस करने के लिए आए हैं। अगर उनको मोबाइल ही ट्रेस करना था तो कुछ दस्तावेज, उनका एड्रेस, लड़की कहाँ की थी, कौन थी, कैसे किडनैप हुई है, तो उनके साथ जो हाथापाई होने के बाद जो है दोनों वापस चले जाते हैं, और वापस चले जाने के बाद 12:30 बजे रात जो है लगभग 150 की संख्या में जो है पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ छात्रावास में एंट्री मारते हैं, और एंट्री होने के बाद जो है अंधाधुंध जो है वो लोग लाठीचार्ज करने लगते हैं, जिनके वजह से जो है पूरा हॉस्टल रात को खाली हो जाता है, और 15 छात्र जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, और पूरी तरह से जख्मी हो जाने के बाद सबों को हॉस्पिटल रात में ही एडमिट कर दिया जाता है। उसमें से दो या तीन छात्र जो है गंभीर रूप से घायल है, जिनको जो है कि दुमका रेफर कर दिया है, जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। अगर पुलिस प्रशासन, जो कि हम लोग जहां पुलिस प्रशासन होती है हम लोग सुरक्षा महसूस करते हैं, और आज जो है पाकुड़ पुलिस ने ऐसा कारनामा दिखाया है कि उनके ऊपर से आज छात्रों का और यहां के जनताओं का जो है भरोसा उठ चुका है। ऐसा गुंडागर्द पूरे भारत में आज तक नहीं हुआ होगा जो आज ने पुलिस प्रशासन, पाकुड़ के पुलिस प्रशासन ने किया है। ये हम लोग जो है कि कर्तव्य बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज हम लोग जो है कि सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होनी चाहिए और उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पर, और जितने भी दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और तत्काल जो है वहां के एसपी और वहां के जो है डीसी और वहां के जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित कर देना चाहिए, उनके नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो है अपने काम को अच्छी तरह ढंग से नहीं निभा पाए हैं, अपने काम का, अपने पावर का, अपने शक्ति का उन्होंने गलत दुरुपयोग किया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आज मसाल जुलूस निकाले हैं, और ये जो है हेमंत सोरेन, विजय हंसदा और वहाँ के एसपी का हम लोग ये पुतला आज दहन करेंगे अभी तुरंत। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी छात्रों के साथ जो है बेहतर सलूक नहीं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कहने का तो वो आदिवासी हैं, लेकिन आज वो जो है बांग्लादेशियों को यहाँ पर जो है जगह देती है और उनको जो है वोट बैंक बना करके है वो इस्तेमाल करती है, और यहाँ के आदिवासियों को वो दरकिनार कर दिए है, और बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उनको घर में दामाद बना करके बैठे हुए हैं। ये है हेमंत सोरेन का रवैया, और यहाँ के जो लोकल सांसद है विजय कुमार हंसदा।
छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 नोड़े बन नेल दड़े आ साहब को कॉलेज हॉस्टल में कोड़ा से खोए नोड़े हेमंत सोरेन और पाकुड़ एसपी नोड़े पुतला दहन नोड़े बन नेल दड़े निश्चित तौर पर और ओकालगा नोड़े सभोदिकना सार ते तो निश्चित तौर पर नोड़े पुतला दहन आरायनिका पूरा हॉस्टल रे कोड़ा आर कुड़ी को एकालते ज्यादा से ज्यादा भीड़ खन भीर संख्या ते कोड़ा नोड़े बहेकना अकवा विरोध को प्रदर्शन दन नोड़े बीते मसाल जुलूस आने नोड़े पुतला दहन तो निश्चित तौर पर नोड़े बाबार गोटे पुतला दहन नोड़े बन नेल दड़े पुतला दहन बन नेल दड़े नोड़े बन नेल दड़े निश्चित तौर पर नोड़े पाकुड़ पुलिस मुर्दाबाद नोड़े बैनर बन नेल दड़े नोड़े बाबार गोटे नोड़े ओका पुतला दहन कना और नोड़े हॉस्टल रेन कोड़ा कुड़ी से खोय पुतला दहन निश्चित तौर पर एनार हो स्टेटमेंट बन नेल ले गया जे बोले जुदी न्याय बांग हुई को कना तो निश्चित तौर पर इधर आर्थिक नाके बांधी पूरे संताल परगना रे बांधी ताहेना कम से कम तीन से चार दिन के अंदर रे जुदी न्याय बांग हुई को कना निश्चित तौर पर आने का निकाल हाय 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 पकड़ पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद निश्चित तौर पर नया पूरा पुतला दहन और इन ढेर हॉस्टल कोड़ा को कुड़ी को मना को नोड़े बन नेल दड़े को विरोध प्रदर्शन रे मसाल जुलूस और ओका दो मसाल जुलूस दो हुई लेना मेदा में सुभाष सुख इन करते नोड़े को रेलवे स्टेशन इन करते नोड़े साहेबगंज कॉलेज गेट सामांग नोड़े बन नेल दड़े मसाल जुलूस सुगो करना इन ढेर मीडिया कर्मी को नोड़े मना को शहर सेटेर करना को निश्चित तौर पर न्यूज कवरेज लगी ते और ने इनका पूरा मार्केट हो पूरा का पूरा जाम करना अन्य साहेब कॉलेज गेट समारे नोड़े पाकुड़ पुलिस आए है एसपी या और ओका मुख्यमंत्री सीएम करना उनिया पुतला दहन नोड़े निश्चित तौर पर हुई ना तो कहीं ना कहीं नितो यदि न्याय बाय एम दास सरकार से कोई स्टेटमेंट मांगे जुगो करना तो आर्थिक नाकेबंदी लगी थे ये तो इधर पूरा दिसम होटे आरोज तय ना जब आर्थिक नाकेबंदी हुआ तो कम से कम दिसम रन अतु वड़ा रन दिन गो बाबा बुहा मिश्रा को मिना पे आप पे गोड़ो तब उन्हें एंते अबूरन गिदर हॉस्टल पड़ोते पुलिस को दाल का द्वार तो कम से कम होना उनको न्याय लगी थे से अब जुम्मी जगह तुम्हें रेजोग करना बचाव लगी थे जब भी स्टूडेंट से खोए आले छात्र से खोए आले गिदर से खोए रैली ना आयोजन हुई आर्थिक नाकेबंदी आयोजन हुआ तो कम से कम अब ढेर को ढेर संख्या रे अब उन रैली रे बन सेले दो मा तो मान का निका गी और हो ओका दुमका रे 3 तारीख महा रैली में ना क्रूस मा रैली ना 3 तारीख दुमका रे इन कंटिन्यू वीडियो तहन तबुन पे आंडना सीना बुन नेल चोबुना आ ने निका ते पुरो आप